सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड मैं यहाँ पे आया हूँ आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। तो गाइस, मेरा जो मेन एम है इस चैनल को खोलने का, वो ये है टू शेयर नॉलेज विद यू गाइस। ओके, तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं आपको दो क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। क्या आपको पता है कि अपना जो ईएस मैकेनिज्म यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है, मतलब उसके मैकेनिज्म पता है? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि बाकी सब जितनी भी ईएस मैकेनिज्म रिएक्शंस है, जैसे कि ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एक्सेट्रा, उन सब में खाली सल्फोनेशन ही ऐसी रिएक्शन क्यों है जो रिवर्सिबल है? अगर आपको गाइस पता है तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर नहीं पता तो सोचिए, हम फिर मिलते हैं एक पीसफुल एंड वंडरफुल इंट्रो के बाद में। सो गाइस, क्या आपने सोचा कि आपको आंसर मिला? और अगर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं यार, मैं बताऊंगा आपको, मैं हूँ ना। तो चलो आगे बढ़ते यार। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वीडियो का, वो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन एंड रिवर्सिबिलिटी ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ ईएस मैकेनिज्म। अब आधे लोग सोचेंगे कि अरे, वीडियो का टॉपिक तो था इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन और ये भाई क्या पढ़ा रहा है, ईएस मैकेनिज्म, ये तो हमें पता है। हाँ भाई, मुझे पता है, आपको ये सब पता है, लेकिन रुको, जरा सबर करो, अभी मेन पार्ट आना बाकी है। मैं लेकिन ये मेरी फॉर्मेलिटी बनती है कि आपको ईएस मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा बता दूँ। तो ईएस मैकेनिज्म में क्या होता है भाई, तीन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप में होता है अटैक ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग ऑन इलेक्ट्रोफाइल, एंड थर्ड स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन। अब आधे लोग सोच रहे होंगे सेकंड का नाम मैंने ऐसा क्यों रखा है। आधे लोग मतलब सब लोगों ने तो ऐसा पढ़ा होगा ना बुक्स में कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग ऐसा होता है कुछ, लेकिन एक्चुअली कैसा होता है गाइस, जो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, वो अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे, ना कि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड्स पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे हैलोजिनेशन के बारे में। तो हैलोजिनेशन में क्या होता है, मुझे पता है आपको सबको पता है कि क्या होता है। बेंजीन होता है, उसको अपने हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Fe(X)3, तो अपने को मिलता है हेलो बेंजीन प्लस विद बाय प्रोडक्ट HX, राइट। यहाँ पे क्लोरीन और बेंजीन का एग्जांपल दिया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अपने को मिल चुका है अपनी मेन चीज़ जो थी सीखने की, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है, वो पार्ट आ चुका है। तो चलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हुए, वो भी दिखा रहे। और यहाँ पे आपको ये FeCl3 भी दिख रहा होगा। तो भाई, जब रिएक्शन जब स्टार्ट होती है ना, तो ये दोनों का मतलब सबसे पहले यही दोनों रिएक्ट करते हैं। क्या करता है, शुरुआत करता है झगड़ा ये क्लोरीन। क्लोरीन उठा के पटकता है इसके दो इलेक्ट्रॉन इस FeCl3 के सर पे। अब बेचारे के पास कोई चॉइस भी नहीं है, इसने उठा के पटक दिया और बोलता है कि तू ले ही ले, तू नहीं लेगा तो मैं तेरे को मारूंगा, ऐसा बोलता है। तो बेचारा ले लेता है मजबूरी में, ताकि वो मारना खाए, ठीक है। इस पर से क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है, अब वो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, और इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है, मतलब डोनेट किया है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो अब आप सोचिए कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है स्पीशीज़ है, राइट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है। अब सोचिए कि अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कितना अनस्टेबल हो जाएगा। वो पहले ही एक तो इलेक्ट्रॉन मांग रहा होता है, और उस पर से अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो यार बेचारा पागल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के बिना, पागलों की तरह इधर उधर इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा। तो क्या होता है कि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन के मतलब इतना क्रेविंग बढ़ जाती है इसकी
कि ये जो दो क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड पे जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे सॉरी गाइस इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुई है उसको ही खींच लेगा ऐसे इस तरह से, ठीक है। सो खींच लिया तो अब ये हो गया, इसको न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन बेचारा ये गया, इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, इसने तो कुछ किया भी नहीं था। इसके जुड़वा भाई ने इसके साथ पंगा लिया और ऐसा पॉजिटिव चार्ज कांड कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो गया सी एल प्लस के फॉर्म में इधर आ गया। तो अब सोचिए इसकी ये हालत हुई तो इसकी भी ऐसी हालत होगी, तो ये क्या करेगा, ये फिर से रिफॉर्म करेगा ये बॉन्ड इसके साथ ताकि ये भी स्टेबल हो जाए, और फिर ये दोनों ऐसे करते करते एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते, रेजोनेटिंग फॉर्म बना देते, एक इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम में चले जाते दोनों के दोनों। देखिए यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम का साइन भी है, रिवर्सिबल, ये इस तरह से बनता है, फिर ये वापस इधर से ऐसा मतलब जुड़ता है और फिर अलग होता है, जुड़ता है और अलग होता है, ओके। ये एक तो इस पर से क्या है कि गाइस कि जब क्लोरीन एटम को अगर कोई अपने सपोज अभी अपने क्या मतलब क्लोरीन एटम है मतलब बराबर, तो उसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप सोचो उसकी क्रेविंग कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसी वजह से वो एक इलेक्ट्रोफाइल बहुत अच्छे से एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, मतलब कि उसको कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वो कोई न्यूक्लियर फाइल के साथ रिएक्ट करने की, डायरेक्टली अटैक ही कर लेगा, डायरेक्टली अटैक करके बॉन्ड बना लेगा। तो इसलिए ये जो क्लोरीन ऐसे मतलब इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जब ये बनता है तब ये जो होता है क्लोरीन प्लस ये बहुत ही अच्छा एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। वो किसकी मेहरबानी से हुआ, इस भाई साहब की मेहरबानी से हुआ, FeCl3। अगर ये ना होते तो क्लोरीन उस पर अटैक ही नहीं करता, और अटैक नहीं करता तो रिएक्शन ही नहीं होती, है कि नहीं भाई, सही में सही बात है कि नहीं। तो भाई तो ये बनता है बाद में, इसके बाद क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो क्लोरीन मतलब जो क्लोराइड क्लोरीन प्लस निकला है सी एल प्लस, वो जाएगा बेंजीन के पास और वहाँ पे रिएक्शन होगी और इंटरमीडिएट बना था आपको पता ही होगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और फिर बन जाता है क्लोरोबेंजीन, राइट। तो ये था भाई सिंपल सा फंडा हैलोजिनेशन के हैलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने की मैकेनिज्म का। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं अपने, हाँ गाइस मैं आपको ये स्लाइड दिखाना भूल गया सॉरी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बन रहा है यहाँ पे ब्रोमिनेशन का एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे ये बन रहा है जैसे कि मैंने आपको सिखाया समझाया कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट अप्रोच होगा इसके पास, अप्रोच होने के बाद बनाएगा सिग्मा कम्प्लेक्स, यहाँ पे सिग्मा कम्प्लेक्स शो नहीं किया गया है, बस इसमें मतलब अटैक हुआ तब की बात है। और तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं गाइस सिग्मा कम्प्लेक्स में, उसमें से एक बताया इसमें, और फिर लास्ट में ये हाइड्रोजन लूज करेगा डी प्रोटोनेशन की वजह से और ब्रोमो बेंजीन बना लेगा, और ये जो एच छोटा बड़ा वो इस मतलब सॉरी मेरी गुजराती लीक होगी, तो वो है ना इस ब्रोमीन जो ब्रोमीन आइटम जुड़ा था उसके साथ जाके ये ब्रोमीन आइटम उसके साथ रिएक्ट करके HBr बना लेगा, ठीक है। ये था सिंपल सा फंडा हैलोजिनेशन का। तो चलिए आगे बढ़ते, सो गाइस जो नेक्स्ट प्रोसेस हम देखने वाले हैं ईएस मैकेनिज्म में वो है FC अल्काइलेशन, यानी कि रिडल ट्रैप अल्काइलेशन। तो गाइस इसमें मज़े की बात ये है कि FC अल्काइलेशन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है हैलोजिनेशन के, इसमें मतलब इलेक्ट्रोफाइल है ना हैलोजिनेशन में जैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वैसे ही इसमें ही प्रोसेस है, बस यहाँ पे एक फ़र्क है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने FC अल्काइलेशन की मतलब जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसको अपने जब अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाते इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, एनी लिविस एसिड, इट कैन बी आइदर FeCl3 और AlCl3, इट गिव्स द मेन प्रोडक्ट, ओके। यहाँ पे अपने को टोलुइन देखने को मिल रहा है और HCl मिल रहा है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, सो गाइस चलो देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी आगे बताया कि ये सिमिलियर है बिल्कुल ब्रोमिन मतलब हैलोजिनेशन से, मतलब इसमें एक ही फ़र्क होता है हैलोजिनेशन और अल्काइलेशन में, वो फ़र्क है वहाँ पे आपने Cl2 देखा होगा, राइट, और यहाँ पे आपको भी दिख रहा है हेलो अल्केन,
राइट। अब ये हेलो एल्केन भाई स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांच चेन भी हो सकता है। तो इसमें गाइस सिमिलर प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रॉन उठा के इसके सर पटकेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर, इस पर से ये पॉजिटिव चार्ज, ये मतलब ये जो बॉन्ड पेयर इनके बीच में शेयर हुई उसको खींच लेगा, इस बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। बस ऐसा ही है भाई, सिंपल है, पिछले वाले जैसा ही है। फिर क्या होता है, ये जाता है और इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कर, मतलब आई मीन बेंजीन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है प्रोडक्ट। तो आप सोचोगे कि इसमें क्या नया था, इसमें कुछ नया था भाई, ये तो पिछली बार जैसा ही था। तो इसी को ओवरकम करने के लिए मैं आपके लिए एक बोनस पॉइंट लाया गाइस। तो चलिए वो देख लेते हैं कि बोनस पॉइंट क्या है। हाँ, बोनस पॉइंट क्या है गाइस कि आप सपोज़ आप कोई स्ट्रेट चेन हेलो एल्केन ले रहे हो, सपोज़ आप यहाँ पे यहाँ का ही कोई एग्जांपल ले लेते, चलो यहाँ का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आप प्रोपाइल क्लोराइड ले रहे हो, राइट, ठीक है। अब प्रोपाइल क्लोराइड को आप जब आप AlCl3 के साथ रिएक्ट करवाओगे ना, मतलब ये अल्कलेशन में डालोगे ना, तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है ना गाइस, तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट होता है तब इलेक्ट्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखता है, राइट। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। लेकिन अब क्या होता है कि आपको पता ही होगा कार्बन की एक खासियत है कि कार्बोकैटायन को वो स्टेबल करना चाहता है, खुद को स्टेबल करने की उसमें एक खासियत ही है। तो ये क्या होता है कि ये इससे मतलब यहाँ पे देखो, ये देख यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है जिस कार्बन पे, वो कार्बन है ना, प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। अब जो आपको कार्बन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी तो पता ही होगी कि टर्शियरी कार्बोकेटायन इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइम एंड सेकेंडरी इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बन है। अब सपोज गाइस अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर वो इस कार्बन पे आ जाए तो ये कौन सा कार्बोकेटायन बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। इसलिए क्या होता है कि ये जो कार्बोकेटायन है वो जाता है हाइड्राइड शिफ्ट के अंदर, जिसमें क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाता है इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। रुक जाओ गाइस, मैं फिर से आपको बता देता हूँ अच्छे से स्क्रीन साफ करके, एक मिनट गाइस। यस राइट, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो शिफ्ट हो जाएगा इधर, मतलब और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो शिफ्ट हो जाएगा इधर, मतलब पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट नहीं हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज मतलब कम्प्लीट न्यूट्रलाइज हो रहा है इस हाइड्रोजन से, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है खुद से, क्योंकि इसने अपना हाइड्रोजन लूज कर दिया ना, तो उस हाइड्रोजन के साथ उसने अपनी ये जो बॉन्ड पेयर थी वो भी हाइड्रोजन लेके चला गया, तो इसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, राइट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्योंकि यहाँ पे वन पोजीशन से मतलब सेकंड पोजीशन मतलब वन पोजीशन से पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेकंड पोजीशन पे जा रहा है कार्बन पे, ठीक है, इसलिए इसको 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। और इसी की वजह से गाइस क्या होता है कि जब इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो आपको प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा कि आपको मतलब स्ट्रेट चेन वाला ऐसा नहीं मिलेगा, आपके इसके हिसाब से प्रोडक्ट इस तरह का कुछ मिलना चाहिए। देखो गाइस स्क्रीन पे प्रोडक्ट कुछ इस तरह का मिलना चाहिए, ये पहला कार्बन सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन। लेकिन अपने को प्रोडक्ट कैसा मिलता है, तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है ऐसा। इसकी वजह से गाइस क्या होता है कि सपोज़ अपने कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई भी ऐसे अल्केन का स्ट्रेट चेन अल्केन विथ स्ट्रेट चेन अल्काइल बेंजीन का अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें ये एरर्स आते हैं कि यह ना मतलब उस अपने को जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो नहीं मिलता और उससे कोई डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन ये कई बार काम भी आता है कि सपोज़ कहीं पे अपने को ब्रांच्ड चेन अल्काइल बेंजीन चाहिए तो ये इजीली मिल जाता है, तो इसका डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। तो चलिए आपको ये फंडा तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा,
सो गाइस आई थिंक कि ये जो वीडियो है कुछ ज़्यादा ही लंबा हो चुका है, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे रोक देना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट यार किसके पास होते हैं स्पेंड करने के लिए, ये तो गोर चिमकंडी गिरी हो गई, कोई देखेगा भी नहीं और मज़ा भी नहीं आएगा, कोई देखेगा नहीं, तो मुझे तो अपना नॉलेज शेयर करना है ना। तो इसलिए गाइस मैं इसके आगे का जो कंटेंट है वो इस वीडियो के पार्ट टू में डालूँगा, तो इसीलिए गाइस स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, क्योंकि यार शेयर करेंगे तभी तो अपना नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज तो शेयर करने से ही बढ़ता है ना भाई, है कि नहीं। और इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।